हेलो दोस्तों, मैं घुमक्कड़ मम्मी बोल रही हूँ। आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको चलो घुमाती हूँ सूरज कुंड मेला। दोस्तों, ये सूरज कुंड मेला लगा हुआ है फरीदाबाद में, यानी इसका नाम है सूरज कुंड मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला क्राफ्ट मेला। और देखिए, यहाँ पे आप मेट्रो से आ सकते हैं बदरपुर और बॉर्डर तक, और उसके बाद आप रिक्शा या थ्री व्हीलर कर सकते हैं। और इसका टाइम है सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक। और ये देखिए, ये टिकट का है दोस्तों। टिकट मिलती है बड़ों की 120 और 20 की टिकट है, और एजेंट वालों की 80 रुपये की है, और शनिवार एतवार को 180 की है। वीकेंड डे पे शनिवार एतवार। और दोस्तों देखिए, ये गेट बना हुआ है, वो टिकट काउंटर था और इधर गेट है। गेट के द्वारा अंदर जाएंगे हम। और दोस्तों, सूरज कुंड मेला जो हरियाणा के फरीदाबाद में है, जो हर वर्ष लगता है, इस वर्ष हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 2 फरवरी 2024 को इस मेले का उद्घाटन किया था। और दोस्तों, ये थीम रखी जाती है यहाँ पे, जैसे गुजरात की थीम, हर बार अलग राज्य के थीम होती है। एक तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय मेला है। सूरज कुंड मेला की कला, संस्कृति और विरासत का जश्न मनाते हैं। इसमें 20 से भी ज़्यादा देशों की भागीदारी है। यह मेला भारतीय हथकरघा और को बढ़ावा देने के लिए है। यहाँ पर हथकरघा कारीगरों के अलावा शिक्षित अंचलों की वस्त्र परंपरा, लोक कला, लोक व्यंजन, लोक गीत और लोक नृत्य का भी संगम होता है। और मुख्य चौपाल, छोटी चौपाल पर प्रोग्राम भी चल रहे होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, प्रोग्राम चल रहे हैं यहाँ पर। और कांगरों का डांस चौपाल भी कहा जाता है, चौपाला भी कहा जाता है। काफी देश आए हुए हैं, जैसे तनाजिया, घाना, नाइजीरिया, युगांडा, आयरलैंड, कंजानिस्तान, लेबान, थाईलैंड, उज्बेकिस्तान, और अपने देश के राज्य जैसे तमिलनाडु, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, कश्मीर, राजस्थान के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, सभी राज्य, हमारे देश के सभी स्टेटों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और देखिए, ये राजस्थान के हैं जो अचार, और ये देखिए स्पेशल राजस्थानी अचार मिल रहा है यहाँ पे। आइए आप भी टेस्ट कीजिए और देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लेके जाइए यहाँ से। और दोस्तों, ये हर साल लगता है, तो आप ज़रूर आइए अपने बच्चों को, अपने आपको जो भी स्टेट का अच्छा लगता है, जिस भी पंजाब जैसे वहाँ के वस्त्र या वहाँ का खाना पीना, तो आप वहाँ से जरूर खाइए, लेकर जाइए। और ये देखिए अचार वाले, और वहाँ पे ना सरस मेला भी लगा हुआ था, तो हम इस सरस मेले के अंदर ही दिखा रहे हैं आपको। शुरू में हमने आपको सरस मेले के अंदर ही लेके गए हैं, तो सरस मेला की हम वहाँ की दिखाते हैं, कौन कौन से वो कपड़े लेके आए हुए हैं, क्या क्या सामान लेके आए हुए हैं, वो सब दिखा रहे हैं मैम आपको। ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ के हैं, वहाँ के कपड़े हैं। और देखिए, ये ड्राई फ्रूट वाले भी आए हुए हैं। ये देखिए, आपको अगर अच्छा लगे तो आप लीजिए यहाँ से।
और ये देखिए सफाई करने का सामान यहाँ पे, जूते पॉलिश की चीज़ें भी, और वो भी मिल रही थी यहाँ पे, जैसे चूहे वगैरह की दवाइयाँ, ये साफ़ करने वाली चीज़ें दिखाई हैं नई नई, किस तरह कौन कौन से चीज़ें हैं जो साफ़ कर सकते हैं आप। और ये देखिए जैसे रुआ हो जाता है ना कपड़ों के अंदर, तो ये मशीन दिखाई है कि आप इस मशीन से ना साफ़ कर सकते हैं, उसको ऐसे घुमाओगे तो रुआ सारा खींच लेगा और ये साफ़ हो जाएगा। तो ये नई नई चीज़ें वो जो बना के लेके आते हैं वो चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए कटिंग, जैसे आपको बादाम वगैरह काटने हैं तो वो मशीनें हैं, ये देखिए बादाम आपको काट के दिखा रहे हैं। तो ये 280 रुपए की मिल रही है ये। अगर आप तीनों चीज़ें लेते हैं तो आपको 500 रुपए में दे देते हैं ये। ये देखिए ये चाकू है, ऐसे आप सैलिन काट सकते हैं, सब्जी काट सकते हैं, और वो दही फैटने वाला था, तो आप अगर आप तीनों चीज़ें लेंगे तो 500 रुपए मिल जाएगा आपको। ये देखिए काट के भी दिखा रहे हैं, घिस के भी दिखा रहे हैं, ये देखिए काट के दिखा रहे हैं ये कितनी आपको। जैसे अपने घर में अगर गेस्ट आ जाते हैं तो फटाफट अगर सब्जियां बनानी है तो कैसे जल्दी जल्दी हम सब्जियां काटें और फटाफट खाना बना के खिलाएं। और ये कुछ देसी दवाइयां भी लेके आते हैं लोग, जैसे कि भाई थोड़ा पेट फूलना, दर्द होना पेट में, गैस बनना, तो वो दवाइयां भी देसी देते हैं ये। और देखिए ये लेडीज सामान लेके आए हुए हैं सारा, लेडीज सामान, हेयर बैंड, क्लिप, आपको 50 रुपये 100 रुपये की सेल थी यहाँ पे, 50 वाली सेल भी थी और 100 वाली भी, आप जो अच्छी लगे उसमें से आप ले सकते हैं। ये सारा मैं अभी आपको सर्स फूड फेस्टिवल में दिखा, सर्स मेले में दिखा रही हूँ, ये सर्स मेला ही है सारा। और यहाँ पे फूड वाला भी लगा हुआ है, आप खाने में जो चीज़ें खा सकते हैं उसका भी लगा हुआ है, यहाँ सारे स्टॉल लगे हुए हैं। और देखिए फिर अचार है, ये भी राजस्थान के ही हैं, ये लोग खुद बनाते हैं, ये खरीदते वरीदते नहीं है कहीं से, ये खुद बनाते हैं और खुद बना के लेके आते हैं यहाँ सेल करने के लिए। ये देखिए ये पाउडर वगैरह है और फेस पैक वगैरह है, ये इन्होंने खुद बनाए हैं और खुद सेल कर रहे हैं अब यहाँ पर आकर। और ये मंजन वगैरह है, मंजन और तेल वगैरह सर में डालने वाला। तो अभी तो दो पैकेट हैं, एक पैकेट एक्स्ट्रा रखा हुआ है उनमें से पीछे वालों में। और ये राजस्थानी चीज़ें, वही अचार वगैरह और खाने की चीज़ें, बेसन वेसन की जो बनती हैं, नमकीन वगैरह वो भी लेके आए हुए हैं। और जैसे मिल्ट, मोटे अनाज से बनी चीज़ें भी बेच रहे हैं ये, और ये टेस्टी साउथ इंडियन चीज़ें हैं यहाँ पे, आप ये साउथ की चीज़ें ले सकते हैं इंडियन की। और ये भी देखिए ड्राई फ्रूट बेच रहे हैं यहाँ पे भी। और ये हनी है, ये हनी सभी हमारे स्टेटों का है, जैसे हिमाचल का है और उत्तर प्रदेश का है, सभी के हैं यहाँ पे, आप टेस्ट करिए, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लीजिए यहाँ से। देखिए हनी है ये, आधा किलो, एक किलो, जितना भी लेना है आपको। और ये आजकल है ना हनी में भी ड्राई फ्रूट वाले आ गए हैं, ड्राई फ्रूट डाल देते हैं इसके अंदर। ये देखिए ये जो आगे रखे हुए हैं इनमें ड्राई फ्रूट डले हुए थे। दोस्तों यहाँ पे देखो, देखिए दर्शाया गया जैसे हर राज्य का कल्चर, वहाँ का रहन सहन, उनका खान पीन, उनके कपड़े, उनके वो गीत संगीत, उनका सब कुछ इसमें सब दिखाया गया है, सब दर्शाया गया है यहाँ पे। अब की बार राजस्थान वाले अचार लेके बहुत आए हुए थे, मतलब और भी चीज़ें होती हैं जो खाने की, नमकीन वगैरह होती हैं और चीज़ें
गट्टा बोलते हैं जो बेसन से बनती है, जिसकी सब्जी भी बनती है वो गट्टा भी बिक रहा था यहाँ पर, जो बेसन से बनाया होता है उसको सुखा के फिर उसकी सब्जी बनती है। पर दोस्तों यहाँ आए हैं तो अगर आए हैं तो यहाँ पे बनारस के पान बहुत बिक रहे थे, तो आप बनारस के पान भी खाइए यहाँ पर, जिसमें से आप खाएंगे तो धुआं निकलता है उस पान में से। और यहाँ पे झूले वगैरह भी काफ़ी लगे हुए थे जो मैंने अभी दिखाया था। अब चलते हैं दूसरी साइड, देखिए कितने सुंदर सुंदर इन्होंने बना रखा है, सजा भी हुआ है और पूरा कल्चर दर्शाया गया वहाँ पे, जैसे छतें दिखाई गई हैं घास से बनाई हुई, और वो भी सारे छप्पर बोलते हैं गांव में उन्हें, वो सब इसमें दर्शाए गए हैं। और ये सरस वाले में ये सारे तरह के कपड़े मिल रहे थे सारे, ये वहाँ से हैदराबाद उत्तर प्रदेश से लेके गलीचे वगैरह आए हुए थे। बीच बीच में सरस मेला, बीच बीच में सब स्टेटों की दुकानें, सब चीज़ों का लगा हुआ था। ये देखिए गलीचे हैं, पायदान बोल सकते हैं, पायदान, गलीचे, बेडशीट, कुशन कवर सब बिक रहे थे। ये लोग उत्तर प्रदेश हैदराबाद से आए हुए हैं। कैसे दर्शाया गया पूरा कल्चर, ऊपर का देखिए आप छप्पर डले हुए हैं, छप्पर में बनाई गई दुकानें हैं ये देखिए। और ये पर्स वगैरह यहाँ पे बहुत, इस बार बैग वगैरह जो हाथों से बनाते हैं ये, वो सब दिखाए गए थे, लेके आए हुए हैं सेल करने के लिए। ये जैकेट वगैरह, गरम कपड़े, ठंडे कपड़े, ये देखिए सब हाथ से सील के बना के लेके आए हैं, ये खादी की जैकेट है ये। और ये देखिए लकड़ी से बना है ये सारा सामान, जैसे खूटी बोलते हैं ना जिसपे हम कपड़े वपड़े टांगते हैं, वो है ये। 50 के रेट में, 100 के रेट में, अलग अलग रेट था इनका सबका। लकड़ी से बनाया है ये सारा सामान, इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। ये भी चकला, बेलन, चाय दूध फेंटने वाली चमचे, लकड़ी के हर चीज़ मिलेगी यहाँ पे। 50-100 रुपए रेट है सबका, 100-200 सबके अलग अलग रेट है। दोस्तों मेरी वीडियो को अगर आपने अभी सब्सक्राइब, आप नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करिए और फिर देखिए। और दोस्तों मैं ये वीडियो अगर मैं पूरी बनाती तो कम से कम एक घंटे की बनती, इसलिए मैं इस वीडियो को आपको आधा दिखाऊंगी और आधी वीडियो मतलब बहुत बड़ा मेला था इसलिए मैं इसका दूसरा पार्ट भी दिखाऊंगी। ये पहला पार्ट है वीडियो का, अब मैं दूसरा पार्ट भी दिखाऊंगी इसका, आप ज़रूर देखिएगा। और मेरी वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना और कॉमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। दोस्तों शुरू से एंड तक जरूर देखना, जब भी तो आपको समझ आएगा कि वीडियो के अंदर क्या दिखाया गया है। तो अगर आप थोड़ी बहुत देख के बंद कर देते हैं तो उससे पता ही नहीं चलता है कि इस वीडियो में क्या दिखाया गया, तभी समझ आएगी आपको जब शुरू से एंड तक देखेंगे। ये देखिए ये हाथों से देखिए कितने सुंदर सुंदर बनाया हुआ है इन्होंने। आपकी पर पायदान भी उन्होंने जैसे शेर जानवरों के उस पर बनाए हैं, पायदान भी बहुत सुंदर सुंदर उनकी शेप बना बना के, शेर, बिल्ली, कुत्ते की शेप, जैसे सबके वो बनाए हुए हैं पायदान उनकी। और कॉटन का कपड़ा, जैसे कॉटन का कपड़ा जहाँ पे कॉटन का कपड़ा बनता है वो कॉटन वाले लेके आए हुए, देखिए इनके यहाँ पे कॉटन का बनता है तो ये कॉटन का कपड़ा लेके आए हैं, सूट लेके आए हैं, साड़ियाँ लेके आई हैं बिहार से। देखे ये देखिए इसमें है ना दाने से लगा कर, यानी कि बहुत ही सुंदर पायदान बनाया गया है ये। और ये देखिए गेट कितने सुंदर सुंदर बनाए हैं इन्होंने, बहुत ही सुंदर सजावट भी बहुत सुंदर थी।
क्योंकि हर स्टेट का कल्चर दिखाया गया है इसमें, कैसे रहते हैं वो लोग, क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, वो सब, और कितनी कैसे देखो मेहनत करके वो ये सब चीज़ें अपने हाथों से बनाते हैं। ये पंजाब से आए हुए थे, ये दुपट्टे और कुर्ता पजामा, वो लेडीज़ कपड़े हैं इनके पास, सूट वगैरह, ये वहाँ इन्होंने हाथों से कढ़ाई हथाई स्कोन स्टोन लगा रखे हैं, शीशे लगाए हुए हैं दुपट्टों में, सूटों में, बड़े सुंदर हाथों से कढ़ाई करके लेके आए हुए हैं ये। और ये देखिए ये लोहे के बर्तन, आजकल हर आयरन के बर्तनों में ज़्यादा खाना बनता है, तो इसलिए ये आयरन के बर्तन खुद बनाते हैं, खुद ही लेके आए हुए हैं। और आप खरीदिए आयरन के बर्तन, बहुत ही बड़ा था और पूरे में लगा हुआ, देखिए इसीलिए मैंने दो वीडियो बनाई है, क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए मैं दो भागों में दिखाऊंगी, पार्ट वन पार्ट टू। आप इसका दूसरा भाग भी देखिए, इसका दूसरा भाग भी आएगा। और ये बैग हैं, बैग इन्होंने खुद अपने हाथों से बना रखे हैं, जूट के बैग भी थे और वैसे सिल्क कपड़े में भी बना रखे थे, इन्हें खुद सिलाई करके खुद बनाए हुए थे। आजकल कोकरियाँ बहुत बिकती हैं दोस्तों। और ये किचन में देखिए, जैसे कि चमचे वगैरह टांगने वाली चीज़ें हैं, इन्होंने खुद ये हाथ से बना के लेके आए अपने। और ये कॉकरी हैं, जैसे आजकल बॉयल वगैरह कप हैं, वो सुंदर सुंदर चीज़ें लेके आए हुए हैं। ये महिला शक्ति का दिखाया है। और ये सरस जो मेला है ना, इसमें महिलाओं को ही ज़्यादा दुकानें दिखाई हैं, महिलाओं का ही काम ज़्यादा दिखाया है कि महिलाएं कितनी आजकल शक्तिशाली हो गई हैं, वो हर काम कर सकती हैं, वो सब इसमें दर्शाया गया है। वो देखिए जैसे गांव में होते थे ना छप्पर, वैसे बिल्कुल सेम बनाई गई हैं सारी दुकानें। आप वहाँ पे जाओगे तो आपको यही सब देखने को बहुत अच्छा मिलेगा, गांव का कल्चर, गांव के कैसे रहते थे लोग, गांव में कैसे ये देखिए यहाँ पे पीतल के हैं भगवान जी, सारे भगवान जी बना रखे हैं, राम लक्ष्मण सीता, पूरा दरबार भगवान जी का, गणेश जी और पूजा की ज्योत वगैरह, घंटी वगैरह सब कुछ बना रखी थी उन्होंने। आपको अच्छा लगे, सही रेट लगे तो आप जरूर खरीदिए। और देखिए कितनी सफाई से नीचे, मतलब लीप के मतलब जो दीवारें भी बनाई गई हैं वो लीपी गई हैं, मतलब जैसे गोबर और मिट्टी मिक्स करके, बहुत ही सुंदर दिखाया गया है। ये देखिए गलीचे लेके, वही मैंने बताया था ना, सब स्टेट वाले अपने गलीचे लेके आए हुए हैं। ये हैदराबाद में ज़्यादा बनता है ना गलीचा, तो वो सब लेके आए हुए हैं। देखिए कितने सुंदर सुंदर गलीचे, कोई 2000 का है, कोई 3000 का, कोई 5000 का, 2500 का, सब तरह के रेट हैं। जैसी चीज़ आप लेंगे वैसी आपको चीज़ें रेट में मिलेंगी, जो आपको पसंद आएगी, अलग अलग रेट हैं सब गलीचों के। अच्छा हाँ, ये ज़्यादा, ये 2000 का था, 3000 का, 2500 का, 4000 तक का था, ये 4000 का है। ये सजाने की, जैसे चिड़िया के घोंसले बनाए गए हैं, ये सजा झोपड़ियाँ बनाई गई हैं जिसके अंदर चिड़िया रहती हैं, बहुत सुंदर। ये हाथों से देखिए, सारा हाथों का से बनाया हुआ है इन्होंने, कोई मशीन यूज़ नहीं करी, कुछ नहीं करा, ये खुद अपने हाथों से। और टेडी बियर वगैरह देखिए, ये कपड़े वगैरह, सूट वगैरह है यहाँ पर।
बहुत पब्लिक आई हुई थी, रोज ही भीड़ चल रही है वहाँ पर, रोज ही पब्लिक आती है, देखती भी है, खरीदती भी है। हमें घर में रह के इतना कुछ नहीं पता चलता कि कहाँ पे कौन से स्टेट में लोग क्या क्या पहन रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसा उनका घर है, इसमें सब कुछ दर्शाया गया है। और वहाँ के लोकगीत, वहाँ के भजन, वहाँ पे डांस, थाईलैंड वाले लोग डांस कर रहे थे, कहीं पे गाने चल रहे थे जो खुद गा रहे थे वो। ये सूट कपड़ा सब बिक रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर जैसे लेडीज के लिए बाथरूम, टॉयलेट सब बना हुआ था यहाँ पे, और पानी की व्यवस्था भी की गई थी, पानी वगैरह सब मिल रहा था यहाँ पर। और ये देखिए साड़ी वगैरह बिहार की, ये देखिए पर्स वगैरह, ये खुद अपने हाथों से बना के लेके आए हैं। पर्स 2000 का, 1000 का भी था, 500 का भी था, 300 का भी था, जितना चीज जैसी चीज होगी वैसे ही पैसे लगे हुए थे, उसके रेट लगा हुआ था। और ये देखिए कश्मीर के लोग भी बहुत आए हुए थे, कश्मीर वाले अपने ड्राई फ्रूट लेकर, कश्मीर वाले अपने वहाँ के गर्म कपड़े लेकर, रेट वो सूट गर्म और साड़ी, दुपट्टे, मुफलर, कैप। असम के भी बहुत आए हुए थे, असम, ये देखिए असम वगैरह वाले हैं जो गर्म कपड़ा, कैप वगैरह लेके आए हुए हैं, अपने पर्स बना रखे हैं इन्होंने, मुफलर हैं, कैप है। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए रेट था इनका 400 रुपये, मतलब रेट कम भी कर लेते हैं अगर आप खरीदेंगे तो, 400 वाला 300 का लगा लेते हैं। ये देखिए लेडीज़ कैप भी थे, ये जेंट्स कैप भी था, ये 300 रुपये का बोल रहे थे, हमने बोला कि 200 रुपये का लगा लो। देखिए कैप है ये, और जैसे लेडीजों के पहनने के भी वो गर्म होते हैं जो, वो भी थे इनके पास। और यहाँ पे भी ये आसाम वाले थे, इनके पास भी यही गर्म कपड़े थे, ये भी खुद देखे हाथ से खुद बना भी रहे हैं यहाँ पे, लड़कियों के कैप, जेंट्स लेडीज कैप सब बना रहे हैं हाथों से। ये देखिए बैग लेके आए हैं इन्होंने, देखिए खुद बनाए हैं अपने हाथों से। सजावट की चीजें भी काफी मिल रही थी वहां पे घर को सजाने के लिए। देखिए फिर आ गए बैग वाले। और त्रिपुरा के बहुत ज्यादा थे, ये त्रिपुरा का है, ये देखिए इसका क्या रेट है, इसका 250। यहाँ पे ये उनसे थोड़ा कम रेट दे रहे थे, ऐसे ही है कोई किसी का अलग अलग रेट थे सबके। और ये देखिए ये बैग, ये भी ये 500 का था, 700 का, 1300 का, अलग अलग प्राइस हैं सबके। छोटे बड़े जैसे आपको चाहिए वैसे ले लो। और लकड़ी से, लकड़ी की जो ऊपर का पत्ते को बारीक करके बहुत चीज़ें बना रखी थी इन्होंने। ये देखिए पंखा बना रखा है इन्होंने, शीशा बना रखा है,
देखिए कितने सुंदर सुंदर पर्स बना रखे, बोतल बना रखे हैं लकड़ी से। ये सब देखिए लकड़ी का सामान है ये सब। मोर बहुत बना रखे थे, इतने सुंदर सजाने के लिए, घर के लिए सजावट का सामान था ये सारा। और ये देखिए ये असम जैकेट वगैरह, ये देखिए हाथों से बना के लेके आए हैं उनके, ये खुद इन्होंने अपने हाथों से करी है कढ़ाई। और सुंदर सीनरी वगैरह बना रखी थी, ये देखिए छोटे छोटे मोर हैं ये सब, ये त्रिपुरा वाले हैं सब। देखिए कितनी चीजें बना रखी थी इन्होंने सजाने की, ये टोकरियां बना रखी थी। यहाँ पे दुकान नंबर है, ये देखो त्रिपुरा लिखा है, यहाँ पे दुकान नंबर है जैसे 772 त्रिपुरा, ये त्रिपुरा का है सब, और दुकान नंबर के हिसाब से है यहाँ पे। सभी पे दुकान नंबर डली हुई थी, नंबर डले हुए थे दुकानों के। और ये देखिए ये फ्रूट जूस बेच रही हैं, ये नागालैंड की हैं, 274 इनकी दुकान नंबर है। ये फ्रूट जूस है, हनी भी बेच रही थी, फ्रूट जूस भी बेच रहे थे ये। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी खरीदिए। और ये कपड़े थे यहाँ पे, और ये देखिए ये सुंदर सुंदर गुलदस्ते, वहाँ की लकड़ी से बना बना के, फूलों से बना बना के ये लेके आए हैं। टोकरियाँ भी बना रखी हैं इन्होंने सजाने का, नीचे बिछाने वाले सामान जैसे पूजा घर में बैठते हैं बैग, मतलब बहुत चीज़ें थी। ये देखिए वहाँ का कपड़े कैसा होता है, ये भी त्रिपुरा के ही था सारा। अब चलते हैं दोस्तों आगे, ये देखिए, ये देखिए कितने सुंदर सुंदर टोकरियाँ बना रखी हैं, देखिए ग्लास टोकरियाँ, देखिए आप कितनी सुंदर सुंदर बैग, देखिए देखिए कितने सुंदर सुंदर बना रखे हैं इन्होंने। ये आ गया मणिपुर, ये मणिपुर वालों की है, ये सारे जो टोकरियों वाला आया था ये सारा मणिपुर वालों का आया था। ये देखिए कलर कर करके जब बनाया इन्होंने, सब हाथों का बनाया ये। देखिए जैकेट वगैरह, देखिए टोकरी, ये सब मणिपुर का है। जैसा कि मैंने पहले बताया था ना सभी स्टेट के आए हुए लोग, तो ये देखिए, और बाहर का भी बताए थे मैंने, थाईलैंड नाइजीरिया कई जगह के बताए थे मैंने। सब दुकान नंबर ही डली हुई है यहाँ पे आप। ये देखिए बैग बने हुए हैं, ये सब हाथों से बनाए गए हैं। लेडीज कपड़ा तो बहुत बिक रहा था यहाँ पर, जो अपने हाथों से कढ़ाई करके लाए हैं कपड़े के ऊपर, साड़ी के ऊपर। दुपट्टे भी बहुत बिक रहे थे जिनपे स्टोन वगैरह शीशा लगा हुआ था। देखिए फिर आ गए हम बैगों की दुकान पर, बैग दिखा रहे हैं आपको, ये साड़ियाँ कपड़े दुपट्टे वगैरह सिल्क के। और ये लेडीज सामान भी बेच रही थी कान वगैरह के। और दोस्तों आजकल मिट्टी के बर्तनों में खाना पीना बहुत बन रहा है, इसलिए मिट्टी के बर्तन सभी थे यहाँ पर। और ये जैसे वो रहती है ना मैना, मैना के घोंसले टाइप, और ये देखो लकड़ी के हैं गुलदस्ते सारे, लकड़ी के पॉट हैं ये सब, ये खुद ही बना के लेके आए। देखिए कितने सारे लकड़ी के पॉट, और ऊपर से आप ये फूल गुलदस्ते मतलब फूलों के, ये आप डंडिया भी लेके इसमें लगा सकते हैं, यहाँ से खरीद सकते हैं। और ये देखिए गलीचे वो थे बिहार की,
कढ़ाई बोलते हैं बिहार में, कढ़ाई भागलपुर में कढ़ाई बहुत होती है ना, वो थी वो वहाँ की सीनरिया बना के लाई थी कपड़े पर, जूट के जूट पर, वो सब वो बेच रही थी वो लेडीज। और लेमन जूस और यहाँ पे पापड़ी, और ये देखिए फ्रूट आइसक्रीम थी ये। और ये राजस्थान का फूड वाला आ गया एरिया, आप जब आप घूम रहे हैं थक जाते हैं तो थोड़ा खाइए पिए भी। ये राजस्थान की कचौरी, जलेबी, एक जलेबी 100 रुपये की मिल रही थी, बहुत बड़ी और बहुत मोटी जलेबी। अब आप थोड़े थक गए, थोड़ा आराम कीजिए, थोड़े खाइए पिए और फिर चलते हैं अब आगे। ये दुपट्टे वगैरह हैं सिल्क के, और दोस्तों अगर यहाँ आए तो पान जरूर खाइए। देखिए अभी मैंने दिखाया था ना आपको, पान वाले खड़े थे, बनारसी बाबू, बनारसी पान, चाय कॉफ़ी सब कुछ मिल रहा था यहाँ पे, गोलगप्पे। ये देखिए गोलगप्पे वाले हैं, खाने पीने की चीज़ों का भी सारा इंतजाम था। देखिए ये रहा बनारसी बाबू, बनारसी पान, और ये देखिए लोकगीत वगैरह जो गीत वगैरह संगीत वाला करती हैं, तो वो लेडीजें जा रही हैं तैयार होके। प्रोग्राम शाम को चलता है 6 से 7, बीच में भी चलता रहता है कभी कभी, लेकिन और ये महाराष्ट्र की हैं देखिए सारे, ये महाराष्ट्र वाले हैं। ये भी खाने पीने की चीज़ें बिक रही थी यहाँ पे, कचौरी। जलेबी, मुहाना, लिट्टी चोखा, ये सब।